कृषि उपज मंडी समिति के चेयरमैन अजय शर्मा ने कांग्रेस सरकार पर हमीरपुर जिला में भेदभाव करने के आरोप लगाए हैं। अजय शर्मा ने कहा कि पिछले 5 सालों में लगातार हमीरपुर जिला की कांग्रेस काल में अनदेखी हुई है, जिस कारण मंडी समिति के अतिरिक्त कार्यालय और आवासीय परिसर का काम अधर में लटका हुआ था, जिसे अब बीजेपी सरकार पूरा करेगी। कृषि उपज मंडी समिति हमीरपुर के आवासीय परिसर एवं अतिरिक्त कार्यालय का शिलान्यास मंडी समिति चेयरमैन अजय शर्मा ने किया। इस अवसर पर चेयरमैन अजय शर्मा ने मुख्य अतिथि जयराम ठाकुर का आभार जताते हुए कहा कि हमीरपुर जिला में लगातार विकास गति पकड़ रहा है और आज इसी कड़ी में कृषि उपज समिति परिसर में शिलान्यास संभव हो पाया है। शर्मा ने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि पूर्व में 5 सालों में हमीरपुर से जमकर कांग्रेस ने भेदभाव किया है। मंडी उपज समिति चेयरमैन अजय शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के नेतृत्व में पूरे प्रदेश के साथ हमीरपुर का भी विकास हो रहा है, जबकि पूर्व की कांग्रेस सरकार ने हमीरपुर में भेदभाव किया है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि मंडी समिति परिसर का काम पिछले 5 सालों से कांग्रेस सरकार ने लटकाए रखा था, जिसे अब पूरा किया जा रहा है। इस अवसर पर वरिष्ठ बीजेपी नेता प्यारेलाल शर्मा, बीना शर्मा, अनिल सोनी के अलावा अन्य लोग मौजूद रहे। प्रदेश के ऊर्जावान मुख्यमंत्री श्रीमान जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में इस प्रदेश ने विकास की एक नई दिशा प्राप्त की है और विकास तेज गति से पूरे प्रदेश भर में हो रहा है। हमीरपुर जिला भी विकास की इस मुख्य धारा में शामिल है। प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी के कुशल नेतृत्व में, प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल जी के मार्गदर्शन में और स्थानीय विधायक श्रीमान नरेंद्र ठाकुर जी के सहयोग से हमीरपुर जिला में लगातार विकास की एक नई शुरुआत हुई है और इसी कड़ी में आज हमने कृषि उपज मंडी समिति हमीरपुर के आवासीय परिसर एवं अतिरिक्त कार्यालय भवन का शिलान्यास किया है और हमें आशा है कि बहुत शीघ्र ही इस कार्य को हम पूरा करेंगे और लगभग 6 महीने के अंदर हमने लक्ष्य तय किया है कि 6 महीने के अंदर इस सारे परिसर का निर्माण करके इसका लोकार्पण किया जाएगा और आने वाले समय में और भी नए नए आयाम ये कृषि उपज मंडी समिति माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में प्राप्त करेगी, ऐसी हमारी अपेक्षा है। पूर्व में इस प्रदेश में वीरभद्र सिंह जी के नेतृत्व में जो सरकार कांग्रेस की रही, लगातार 5 वर्ष तक जिला हमीरपुर के साथ भेदभाव की नीति तत्कालीन सरकार द्वारा अपनाई गई। इसी कारण से जिस परिसर का शिलान्यास आज हमने किया है उसका कार्य लगातार 5 साल इस तत्कालीन सरकार ने लटकाए रखा और जब से इस प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में बनी है, इस प्रक्रिया को तेज गति प्रदान की गई और इसको अंजाम तक पहुंचाने का प्रयास इस वर्तमान सरकार ने किया है। मैं वर्तमान भाजपा सरकार का और केंद्रीय नेतृत्व का एवं मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी का इसके लिए हार्दिक धन्यवाद करना चाहता हूं।